अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज़ एचडी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शान करते हैं खपरू से। ब्यूरो चीफ हसन हंगोरू की रिपोर्ट के मुताबिक खपरू तालुका में आटा नायाब, मगर खपरू गंदम गोदाम से ट्रक के भर भर गंदम बाहर सप्लाई होने लगी। शहर के आटा चक्की गंदम न होने की वजह से बंद होने लगी। खपरू शहर में आटा नायाब हो गया। शहर में आटा चक्कियां गंदम की अदम दस्तियाबी के बायस बंद हो गई। शहरी पैसे लेकर आटा खरीदने आटा चक्कियों पर चक्कर काटने लगे, जहाँ दस्तियाबी न होने की वजह से आवाम आटा 150 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि दूसरी जानब खपरू के फूड गोदाम जो इस वक्त गंदम से भरे पड़े हैं, वहां से शहर के बजाय दूसरे तालुकों को गंदम सप्लाई की जा रही है, मगर तालुका खपरू की आटा चक्कियां गंदम न होने के बायस बंद हो रही हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपने बंगलों पर केक काटने में मसरूफ है। गरीब अवाम आटे के लिए दरबदर हो चुके हैं। मुकामी इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार खपरू भी उन मुंतखब नुमाइंदों के साथ सर्दी के मजे लौटने में मसरूफ है। खपरू की आवाम ने हुकूमत पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सेशन जज से मुतालबा किया है कि खपरू फूड गोदाम से खपरू आटा चक्कियों को गंदम सप्लाई दी जाए, ताकि शहरों का सस्ता आटा मुहैया हो सके।